जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। आपसी भाईचारा ना खोए और भाईचारा बनाते हुए शहर में ऐसा पैगाम दें कि अमन शांति बरकरार रहे। उसी के तहत आज ये छोटी सी यात्रा का इंतजाम किया गया है। हमारे बीच में बहुत ही इज्जतमाफ, बहुत ही शहर के अजीज, शहर का ध्यान रखने वाले बुजुर्ग वार काजी साहब मौजूद करेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़कर ये पैगाम पूरे शहर तक पहुंचाएंगे। ये एक गाड़ी आप आगे ले लें, एक गाड़ी आप आगे ले लें, फिर धीरे धीरे बाकी लोग आएंगे। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में या अल्लाह इस शहर को अमन अमान से महफूज, अपने हर बुराइयों से महफूज रख और यहाँ के लोगों को मुहज्जब बना दे। इलाहाल आलमीन, ये मोहब्बत का शहर है, हम लोगों को गंगा जमनी तहजीब के आलमबरदार हैं और इसी रास्ते पर चलना चाहिए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। भाई 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 माइक कटाइए, एक मिनट। गंगा जमुना तहजीब का शहर है, इस शहर को हरगिज़ ख़राब ना होने दें, बस यही मेरा पैगाम है। धन्यवाद आप सब लोगों का। आदरणीय काजी साहब, इतनी उम्र में तबीयत नासाज होते हुए भी हम लोगों के बीच में केवल शहर के अमन चैन के लिए सब लोगों से, जो आप तमाम लोगों को दे रहे हैं, सारे लोग अपनी दुकानों में और अपने कारोबार में लगे रहे। बनारस के लिए यही सबसे अच्छा है, क्योंकि हम बनारस के तमाम लोग यही चाहते हैं कि हमारे दरमियान में अमन शांति कायम रहे। हम लोग जो भी देश की समस्या हो, प्रदेश की समस्या हो, शहर की समस्या हो, उसका एक तरीके से उसको प्रस्तुत करें। किसी भी तरीके से तरीका ऐसा ना हो जिससे शहर की शांति प्रभावित हो। जब भी शहर में शांति प्रभावित होती है तो सबके मन में डर बैठता है। जो दुकानदार कारोबारी है, हमारे भाई, जितने भी लोग हमारी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, सबके मन में डर बैठता है और ये मन में भ्रम आता है कि क्या पता शहर शांत है कि नहीं है। आज जो पूरे देश प्रदेश की स्थितियाँ हैं उसके मद्देनजर सैनिक भाईचारे का वातावरण प्रभावित होता हो। आज इतने बुजुर्ग और हमारे इतने उम्र के इतनी बड़ी शख्सियत पैगाम दे रहे हैं, तो ये पैगाम आपके माध्यम से घर घर पहुँचना चाहिए कि हम लोग, हमारे वाले दुकानदार भाई, हमारे बाकी जितने भी जो भी सही साथी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके व्यापार रोजी रोटी पे असर आए। पैगाम अमन का रहना चाहिए, अमन के पैगाम और भाईचारे के अंतर्गत ही सारा काम होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पसंद ना हो तो उसको कहने और वही दोहराया हुआ पैगाम हम लोग हर घर तक लेके जाएंगे और शहर में हर हालत में अमन शांति बनाए रखेंगे। कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे अमन शांति प्रभावित होती हो। कोई बात हमको पसंद नहीं है तो उसको तरीके से रखेंगे। कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे अकाउंट भी हो, क्लियर काजी साहब, अभी आप लोग के साथ काशी के भ्रमण पे निकले थे, जो लोग बहके हुए हैं उनको एक संदेश दे रहे थे, क्या था वो संदेश सर और किस तरह आप अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, आप लोगों ने संदेश देखा होगा, रिकॉर्ड भी किया होगा, तो बेसिकली ये जो बनारस शहर है इसको शांति के लिए था। कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे थे, विशेष तौर से नई उम्र के लड़कों को, बाहर से भी आए थे और गलत तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसका फ़ायदा कुछ खुराफाती तत्वों ने उठा के एक दिन प्रदर्शन करने की कोशिश की, इसमें लाठीचार्ज भी करना पड़ा। स्थिति कल से नियंत्रित है और हम लोगों ने शहर काजी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं बनारस के,
तो उन्होंने खुद से जाहिर किया कि नहीं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और उन्होंने आकर के एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया जो मुझे लगता है कि न केवल काशी के लिए बल्कि पूरे प्रदेश में उसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा जिससे अमन शांति कायम रहे। दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ टूरिस्ट आया हुआ है, वो कितना सुरक्षित है? कहाँ के माहौल, जो अफवाहों का दौर है वो बहुत गर्म है? बिल्कुल सुरक्षित है। मैं ये अपील करूँगा, ऐसी कोई घटना बनारस में नहीं हुई है। हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हों, वो बिल्कुल झूठी है सारी चीज़ें। कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। कुछ माहौल ज़रूर था, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किए थे, परंतु हम लोगों ने तत्काल कंट्रोल कर लिया। कोई भी बाहर से आता है उसका वेलकम है, स्वागत है, और बनारस के लोग खुद ऐसे हैं कि लोगों का स्वागत करते हैं। पूरे प्रदेश का माहौल ऐसा है कि कहीं भी अफवाह फैला के कहीं भी खुराफात कराने की साजिश हो सकती है। बनारस में भी पिछले दो दिन में जो घटनाक्रम हुए हैं वो लग रहे हैं कि कोई बाहरी तत्वों ने यहाँ पर आके कुछ लोकल लोगों को बरगलाया और उसके माध्यम से उपद्रव फैलाने की कोशिश की। उन्हीं अफवाहों पर विराम लगे और किसी भी तरह कोई ऐसा तरीका ना अडॉप्ट करे जिससे जुलूस या किसी तरह के प्रदर्शन या सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन हो। उस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनको दूर करके केवल तरीके से अपनी बात रखना और अमन शांति के साथ बात रखना, उसके बारे में आदरणीय काजी साहब ने आज पूरे शहर को मैसेज दिया है। और मेरा मानना है कि ये मैसेज केवल बनारस की जनता के लिए ही ना होकर पूरे प्रदेश की जनता के लिए है कि कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो लोकतांत्रिक तरीके से रखें, कोई भी ऐसा काम ना करे जो हमारे दुकानदार भाइयों को, मार्केट के भाइयों को, बाकी लोगों को प्रभावित करे, किसी की रोजी रोटी पे असर पड़े या शहर का माहौल पैनिक में आए या लोगों के मन में भय व्याप्त हो। भय रहित होकर अपनी बात डेमोक्रेटिक वे में कहें और अमन भाईचारा पूरे शहर का है वो कायम रखें। इसी चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट की गई थी और ये तैयार हुए और पूरे शहर को आज इन्होंने सड़कों पर घूम के संदेश दिया। किस तरह का माहौल, अगर वाराणसी आप पूरा अभी भ्रमण कर रहे थे सुरक्षा के साथ भी और माहौल भी, दुकानें भी कभी काफ़ी खुली है, किस तरह का माहौल है? बनारस का माहौल पूरी तरह से शांत है। कोई ऐसा फिलहाल इनपुट नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराने की कोशिश कर सके। पिछले दो दिनों में जो जिन्होंने उपद्रव किया उनमें कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग दोनों दिनों के आइडेंटिफाई हो गए हैं। दोनों दिनों में ही एक एक जगह पे खाली प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो बहुत ही लोकलाइज थी, वहीं पर तुरंत निपट ली गई। लेकिन पूरे शहर में कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हीं बातों को आज विराम लगाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। फोर्सेज का भी डिप्लॉयमेंट है, मार्केट के लोगों से भी संवाद कायम है, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे भी संवाद कायम है। और आपने कार्यक्रम देखा, ये भी उसी कड़ी का परिणाम था। बनारस पूरी तरह शांत है, लेकिन सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं और हमारे रहेंगे और हम अपने हालात को किसी तरह बिगड़ने नहीं देंगे। काजी साहब, जो टूरिस्ट आया है बनारस, टूरिस्टों के बदौलत चलता है यहाँ का रोजगार, यहाँ का व्यवस्था, और टूरिस्ट काफ़ी डरा हुआ है, क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उनकी हिफाजत करने वाले हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। जो सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाई जा रही है उस पर किस तरह का उस पर कोई ध्यान न दे, ये गलत है। हरगिज़ उस पर कोई ध्यान न दे। हम लोग सुकून के साथ रहें और मोहब्बत के साथ रहें। ठीक है, आ जाओ।